मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंगलवार को मंत्रालय सभाकक्ष में आयोजित बैठक में संभागों के प्रभारी, सभी अपर मुख्य सचिवों और सभी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक से चर्चा की। बैठक के प्रारंभ में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव को अपर मुख्य सचिवगण ने संभागों में किए गए भ्रमण, जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और संभागों में ली गई अधिकारियों की बैठकों का ब्यौरा दिया। सीएम डॉक्टर यादव ने सभी संभागों के प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिए, ऐसे कार्यों में पारदर्शिता रहे, सरकार की योजनाओं का सुदृढ़ क्रियान्वयन हो, सतत मॉनिटरिंग की जाए, वीआईपी दौरे के समय जनता को कष्ट ना हो इसका ध्यान रखे, कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत रहे, शहरों में यातायात प्रबंध सुगम बनाए, मध्यप्रदेश रेल सुविधाएं बढ़ाने पर अध्ययन कर सुझाव दे, मिलों के श्रमिकों को राहत का कार्य उज्जैन इंदौर में हुआ है, जैसे मिल ग्वालियर के मिल श्रमिकों को देनदारी की राशि प्रदान करने के लिए रोड मैप बनाए, प्रशासनिक कसावट पर ध्यान दे, रात्रि विश्राम कर ग्रामों की समस्याएं हल की जाए, पटवारी एवं ग्राम स्तर के अधिकारी कर्मचारी जनता को आवश्यक सेवाएं देने के लिए मुख्यालय और मैदान स्तर पर सक्रिय रहे, पुलिस कर्मियों के आवास व्यवस्था बेहतर बनाए, वरिष्ठ अधिकारी निरंतर समीक्षा करें, मंगलवार की जन सुनवाई के साथ समस्याएं प्रतिदिन हल की जाए, मध्यप्रदेश को विकास और कानून व्यवस्था में मिसाल के रूप में स्थापित करें। इस दौरान बैठक में मुख्य सचिव वीरा राणा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।